नहीं, कोविड काल में जो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार है पूरी तरह नाकाम हो गई है। हिमाचल की हितों की रक्षा नहीं हुई। हिमाचलियों को जो खून के आंसू इस सरकार ने पिलाए हैं उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां विधानसभा में अंदर नियम 67 पे चर्चा हो रही है। और 67 के तहत जो है, हम चाहते हैं जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो बेरोजगारी हुई है, जो कुप्रबंधन हुआ है, इसके खिलाफ जब चर्चा हो रही है इतिहास में पहली दफ़ा, उसके बाद ये मंत्रिमंडल और जयराम अपना इस्तीफा देके जो है यहाँ हिमाचल वासियों पर मेहरबानी बरते। जो जिस ढंग से राशन के रेट बढ़ाए गए हैं, बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, पानी के रेट बढ़ाए गए हैं, और उसके बाद सफ़र महंगा किया गया है, क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ख़राब है, कोविड केयर सेंटर्स की हालत ख़राब है, हॉस्पिटल जो भी जा रहा है संक्रमित हो रहा है, सारे अफसर परेशान हो गए इनसे, कर्मचारी परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई। सरकार जो है इसमें खुली लूट हुई है। कोविड में पैसा इकट्ठा किया, सारे प्रदेश में माफिया पूरी तरह फैल गया। जो पैसा इकट्ठा किया उसका कोई हिसाब नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो कोविड केयर फंड है उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। है लोगों से लगातार जो ये लूट हुई है और आगे जनता पे खर्चा नहीं गया है, और हिमाचल आने के लिए वीज़ा लग गया है, और स्पेशल वीज़ा लेके जो है आप अपने प्रदेश में आ सकते हैं। तो इसलिए जो हालात 6 महीने में हुए हैं, 6 महीने में आज 55 डेथ्स हो चुकी हैं और 8,000 के आसपास जो है लोग संक्रमित हो गए हैं। ये कहते हैं हमने विकास किया है। इनका विकास तो आपको पता है असिम्प्टोमेटिक विकास है। लक्षण जिसमें ये कह रहे हैं कि लक्षण है विकास के, हम कह रहे हैं जमीन पे दिखाओ। तो सिर्फ लक्षणों की बात हो रही है। अंदर नए नए चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं, FIR आम जनता पे हो रही है, हजारों लोगों पे FIR हो गई, पत्रकारों पे FIR हो गई, देशद्रोह के मुकदमे बन गए। तो ये सरकार जो की जो विफलता है उस विफलता के आगे जो है ये बाहर घेराव हो रहा है, और अंदर भी जो है सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। और सन 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि अब जो भी चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश का उसमें जयराम सरकार को जाना ही जाना है। हम कहते हैं आप जो है नाकाम हुए हैं, आप जो है नैतिक आधार पर खुद ही चले जाओ। धन्यवाद।